हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है और जो है डार्क सर्कल्स। और जो डार्क सर्कल्स मतलब काले घेरे हमारे आंखों के नीचे आते हैं, वो हमें काफ़ी टायर्ड और डल लुक देते हैं। पर इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है और मोस्ट केसेस में तो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती अगर आप इसके कारण जान लो। तो देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या है और इसके मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो चलिए पहले जानते हैं कि इसके कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कारण है हेरिडिटरी, मतलब अगर ये आपके फैमिली में है, आपके माता पिता को है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी हो सकते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये डार्क सर्कल्स भी ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखने लगते हैं। और जिनके डार्क सर्कल्स हेरिडिटरी कारण की वजह से है, उनको मोस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर सेकेंड है हमारा लाइफस्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल जो डार्क सर्कल्स लोगों को हो रहे हैं उसमें। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नींद की कमी और स्ट्रेस, क्योंकि नींद की कमी की वजह से टॉक्सिन्स बॉडी में एक्युमुलेट होते हैं, क्योंकि नींद में ही सारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो टॉक्सिन क्लियर ना होने की वजह से भी ये डार्क सर्कल्स आते हैं। और नींद की कमी के वजह से दूसरे दिन हमें यहाँ सूजन दिखाई देती है और शैडो इफेक्ट की वजह से वो डार्क सर्कल जैसे अपीयर होता है। फिर इसमें दूसरा है आपका इम्प्रॉपर डाइट, मतलब अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अगर बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, विटामिन्स मिनरल्स ना मिले और सही मात्रा में ना मिले, तो भी डार्क सर्कल्स होने की रिस्क बढ़ जाती है। फिर एनीमिया है, मतलब कि अगर हमारे शरीर में खून की कमी है, तो अगर खून की कमी होती है मतलब आयरन की कमी होती है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में फ्लो नहीं होता है, जिसके कारण बाकी की स्किन पेल दिखती है और जो अंडर आई एरिया है वो और डार्क दिखाई देता है। फिर है स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन, ये भी जब हम सेवन करते हैं तो हमारी एजिंग प्रोसेस जो है वो बढ़ती है, मतलब वो स्पीडअप होती है और इससे भी डार्क सर्कल्स होने की रिस्क बढ़ जाती है। फिर तीसरा कारण है एलर्जीज, जब भी हमें आंखों में एलर्जी होती है तब हम आंखें खुजलाते हैं। और यहाँ की जो स्किन होती है, अंडर आई की स्किन, वो सबसे पतली होती है पूरे शरीर की, अराउंड 0.5 mm की होती है। और इस जब हम रब करते हैं तब इसके नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो ब्रेक होती है और उनमें से ब्लड सेल्स मतलब हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है और उससे पर्पलिश या ब्लूइश अपीयरेंस आता है। और जब ये एलर्जीज होती हैं तब हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो ब्लड वेसल्स मतलब कोशिकाओं को और चौड़ा कर देता है, जिससे और डार्क अपीयरेंस आता है। फिर चौथा रीज़न है आई स्ट्रेन, जब भी आप कंटिन्यूसली या बहुत लंबे समय तक ऑनलाइन काम करते हैं, स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स, फिर से आपकी जो कोशिकाएं हैं वो डायलेट होती है, मतलब वो चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण फिर से डार्क अपीयरेंस आता है। फिर फिफ्थ रीज़न है डिहाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी की कमी। देखिए, पानी इतना ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स जो होते हैं उसे फ्लश आउट करने के लिए, और अगर पानी की कमी हुई तो हमारी बॉडी टॉक्सिन्स बाहर नहीं फेंक पाएगी। देखिए, आपको प्यास लगने तक का वेट नहीं करना है, क्योंकि जब भी आपको प्यास लगती है मतलब आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है। फिर सिक्स्थ रीज़न है एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ की जो स्किन है वो और पतली होती जाती है, और यहाँ जो फैट और कोलेजन होता है जो यहाँ की स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करता है वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण जो अंदर की डार्क ब्लड वेसल्स है वो दिखाई देने लगती है और यहाँ गड्ढा पड़ जाता है, उसके कारण शैडो इफेक्ट की वजह से डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं। और बाकी कारणों में आ गया, जैसे साइनोसाइटिस हो गया, तो साइनोसाइटिस में यहाँ काफ़ी ब्लॉकेजेस होता है तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। फिर है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है तो भी मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वो यहाँ प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। चलिए अब जानते हैं कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। देखिए, अभी आपने जो भी कारण देखे हैं तो आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से आपका कारण क्या है, मतलब उस हिसाब से आप नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ कारण ऐसे हैं जैसे हेरिडिटरी हो गया, एज हो गया, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। पहला उपाय जो आप घर पे कर सकते हैं वो है टी बैग्स। टी बैग्स जब आप चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं और जब हम उन्हें डीप करते हैं तो उसका सारा पानी निकाल के उसे 20 मिनट तक फ्रिज में रखिए, और फिर उसको निकाल के 15 मिनट तक आंखों पे रखना है।
इससे क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि जो टी बैग्स में कैफीन होता है वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मतलब ब्लड वेसल्स को, कोशिकाओं को सिकुड़ देता है। फिर दूसरा उपाय है, ये भी आप घर पे कर सकते हैं, इसमें आपको पुदीना के जो पत्ते होते हैं उन्हें लेना है और ककड़ी का जूस लेना है। देखिए, पुदीना के पत्तों को आप क्रश करिए, उसमें ककड़ी का जूस मिक्स करिए और वो पेस्ट को 15 मिनट तक आंखों के नीचे अप्लाई करिए। इसे आप 2 से 3 बार हफ्ते में कर सकते हैं। और जो ककड़ी होती है उसमें विटामिन ए, के, सी अधिक मात्रा में होता है, जिससे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, उसका फर्मनेस बढ़ता है। अभी मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो अंडर आई क्रीम्स आती है जो मेलानिन प्रोडक्शन को कम करती है, पर उसके लिए आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। पर कभी कभी ये अंडर आई क्रीम्स भी वर्क नहीं करती है, तो तब क्या ऑप्शंस होते हैं, तो केमिकल पील एक ऑप्शन है, फिर कुछ लेजर्स आते हैं जिससे भी डार्क सर्कल्स जो होते हैं वो कम होते हैं। फिर डर्मल फिलर्स ऑप्शन होता है, मतलब एज के कारण जो आंखों के नीचे गड्ढा आ जाता है वो, उसके लिए डर्मल फिलर्स आते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती है वहाँ हाइलुरोनिक एसिड करके एक सब्सटेंस होता है, वो हम इंजेक्ट करते हैं जिसके कारण वो गड्ढा भर जाता है। फिर पीआरपी एक ऑप्शन है, मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है। अगर ये सारा सारे ट्रीटमेंट भी वर्क ना करे तो लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी, और सर्जरी में भी ब्लेफेरोप्लास्टी ऑप्शन होता है जो मोस्टली अंडर आई बैग्स के लिए, मतलब जो पफी आईज होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है। पर आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन सही है उसके लिए आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो तो हम ही ठीक कर सकते हैं नेसेसरी एफर्ट्स लेके, पर अगर उससे भी ना हो तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आपके लिए नेसेसरी सुटेबल ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट करिए। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।